सो हे कूल डूड्स, मेरा नाम है मिथिलेश एंड यू आर ऑन द चैनल किंग ऑफ स्टाइलिंग। तो डूड्स, हम में से जो है हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। आप किसी से भी पूछ लो, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हर इंसान जो है अपने आप में बहुत अच्छा दिखना चाहता है, बहुत खूबसूरत लगना चाहता है। आप एक भैंस से भी पूछोगे ना तो कि भैंस क्या तू खूबसूरत दिखना चाहती है, चिकनी गोरी दिखना चाहती है, तो वो ही बोलेगी हाँ। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ब्रोस, क्योंकि उसको भी अपने मेल भैंसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है यार। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड। वो हर कोई इंसान जो इस प्लेनेट पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखना चाहता है। और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए जो है हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कई तरह के फेस पैक, फेस मास्क, फेस क्रीम, फेयरनेस क्रीम, लोशन, टोनर, ये वो पता नहीं क्या क्या, स्टीम ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए। बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, बाहर से लोग इतने मेहनत करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए। लोग तो गूगल से भी ऐसे ऐसे नुस्खे निकालते हैं यार, मैंने देखा है कि क्या बताऊँ, वो नुस्खे सुन के ही आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपकी तोते उड़ जाएंगे, आप बेहोश हो जाओगे। तो लोग इतनी मेहनत करते हैं बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन ब्रोस, क्या सिर्फ हम लोग को बाहर से ही लिपाई पोताई करना काफ़ी होगा खूबसूरत दिखने के लिए, या कुछ और भी चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं? तो भाई लोग, आंसर है हाँ, हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं। हम लोग अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकालना, वो चीज़ जो है मिस कर रहे हैं। हम लोग अंदर से जो है अपनी इनर ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस बाहर से पोतने में लगे हुए हैं, एशियन पेंट जैसे पुताई लिपाई चल रही है, लेकिन अंदर से किसी को भी खूबसूरत नहीं दिखना। तो भाई लोग, आप बाहर से तो जो भी कर रहे हो उसका उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप अपनी बॉडी के अंदर पे भी काम नहीं करोगे, अपनी इनर बॉडी पे भी काम नहीं करोगे, तो उसका उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा। बाहर से जितना भी पोत लो उसका उतना कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो टेम्प्रेरी है। तो आपको अंदर से खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना होगा, आपको जो है अच्छी डाइट लेनी होगी, और उसके साथ साथ जो है एक्सरसाइज भी डेली करनी होगी। तो ब्रोस, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम लोग ऐसी कौन सी वो एक्सरसाइज करें जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दिख सकें, हमारा चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा फेयर दिख सके, ज़्यादा से ज़्यादा कूल दिख सके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हमारा फेस दिख सके, ज़्यादा से ज़्यादा फेयर दिख सकें। फेयर दो बार हो गया क्या यार? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है नेचुरल ब्यूटी को अपने बाहर ला सकें। तो उसका जवाब है, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा उसका जवाब, मेरे इस इंट्रो के बाद आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। तो भाई साहब, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और सवाल का जवाब है रनिंग। हाँ भाई साहब, सही सुना आप लोगों ने, रनिंग या जॉगिंग जो भी आप बोलते हो, इसको अगर आप डेली करते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी इनर ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जो है वो बाहर आने से कोई नहीं रुक सकता, आप अपना बेस्ट वर्जन दिख सकते हो। भाई साहब, कई सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि रनिंग करने से जो है लाखों करोड़ों फायदे होते हैं। तो हम लोग वो लाखों करोड़ों फायदों की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग एज अ फैशन, एज अ ग्रूमिंग, जो भी हमारी स्किन और हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, जो हमें अच्छा दिखा सकते हैं, हम लोग बस उन्हीं फायदों की बात करेंगे। और भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ भी बोल देना चाहता हूँ, मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ, कोई सर्टिफाइड फिटनेस कोच नहीं हूँ, मैं बस एक आम सा लड़का हूँ, एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, जो कि रियल लाइफ में अपने आप में इम्प्लीमेंट करता है, और उसके बाद जिससे फ़ायदा होता है वही चीज़ आपको बताता है, यानी कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता है। तो भाई साहब, रनिंग मैंने क्या हुआ, आप पहले सुन लो, मेरे जो बैठे बैठे है बेली फैट काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया था, और मेरी स्किन टोन भी बहुत डार्क हो गई थी। तो मैंने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। तो एक महीने मैंने रनिंग की, और उसके बाद मेरा बेली फैट जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया, और ये तो हो गई बॉडी की बात, और मेरी स्किन भी है जो है बहुत ज़्यादा साफ हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे चेहरे पर इतने ज़्यादा पिंपल्स थे कि मैं परेशान था। मैंने कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट किया, कई सारी कॉस्मेटिक क्रीम्स लगाई, कई सारी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स भी लिए, लेकिन उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था, बस टेम्प्रेरी होता था, पिंपल ठीक होते थे, उसके बाद फिर से बाहर आ जाते थे। तो मैंने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू मैंने एक महीने तक रनिंग की। उसके बाद मेरी स्किन में जो सुधार आया, जो इम्प्रूवमेंट आया, मैं क्या बताऊँ यार आपको, मेरा ब्लड सर्कुलेशन पहले से इम्प्रूव हो गया, मेरी स्किन पहले से फेयर हो गई, मेरी स्किन पहले से ज़्यादा क्लीन हो गई, पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गई, और बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस मिले मेरे को रनिंग करने के बाद, और मेरा शरीर भी जो है पहले से फिट हो गया, मेरी बॉडी पहले से फिट हो गई।
तो भाई साहब रनिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं यार, आपको बस सिर्फ एक ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप बाकी भले ही कुछ मत करो, बाकी कोई भी एक्सरसाइज मत करो, पुशअप पुलअप ये सब तो रहने दो, जिम भी मत जाओ अगर, और अगर आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जिम नहीं जाते, कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हो और पबजी खेलते रहते हो, तो जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो यार। 10 से 15 मिनट दो अपने दिन के सुबह के टाइम के, और आप देखोगे एक महीने में रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन पहले से फेयर हो जाएगी, आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, और आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको गिनाता हूं, रुको। तो भाई साहब रनिंग करने का फायदा नंबर 1 ये है कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि एक्ने और पिंपल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, कई केसेस में तो ठीक हो जाते हैं। मेरे एक्ने और पिंपल पूरी तरह से ठीक हो गए, मेरा ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से इंप्रूव हो गया था इसलिए। फायदा नंबर 2 ये है कि जो बॉडी पोर्स हैं वो खुलते हैं, जिससे कि बॉडी की गंदगी बाहर आती है, पसीना आता है, जिससे हम लोग ज़्यादा पहले से ज़्यादा हमारी स्किन ग्लोइंग लगने लगती है, पहले से ज़्यादा चमकती है हमारी स्किन, और हम लोग हेल्दी भी रहते हैं। फायदा नंबर 3 ये है कि रनिंग करने से हमारा बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है, हमारा बॉडी पोस्चर एथलेटिक टाइप का हो जाता है, और हम लोग अपनी एक्चुअल हाइट से थोड़े ज़्यादा लंबे लगते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, हमारे चलने फिरने का ढंग, उठने बैठने का ढंग ये भी इंप्रूव हो जाता है, ओवरऑल हमारी बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है। फायदा नंबर 4 ये है कि अगर आपका जो बेली है, पेट है, बाहर आ गया है, उसमें एक्सेस फैट जमा हो गया है, तो रनिंग करने से ये भी जो है बर्न होता है और आपकी बॉडी शेप में आती है। आपकी बॉडी में जहां जहां भी एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होता है, आपकी बॉडी सही शेप में आती है और आप पहले से ज्यादा अच्छे दिखने लगते हो। कितने नंबर, कितने फायदे हुए यार, 4 हुए शायद। तो फायदा नंबर 5 ये है कि रनिंग करने से जो है स्ट्रेस कम होता है, और स्टडीज में ये पाया गया है कि एक्ने, पिंपल और डल स्किन का एक मेजर सोर्स जो है स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस लेने से जो है हमारे चेहरे पे एक्ने और पिंपल निकलने लगते हैं, तो अगर आप रनिंग करोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और एक्ने पिंपल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और फायदा नंबर 6 ये है कि रनिंग करने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन इंप्रूव होने का सीधा सीधा मतलब है हमारी स्किन टोन इंप्रूव होना, हमारी स्किन का ग्लोइंग होना, हमारी स्किन का चमकदार होना, हमारी स्किन का पहले से ज़्यादा अच्छा दिखना, क्योंकि डाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि हमारी स्किन कैसे दिखेगी और हम कैसे दिखेंगे। तो फायदा नंबर 6 भी हो गया। फायदा नंबर 7 ये है कि अगर आप स्किनी हो तो रनिंग करने से आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। तो मैं तो बता चुका हूँ, अगर आप स्किनी हो तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप कि बॉडी जो है आपको खाना लगने लगेगा, आप खाओगे तो आपकी बॉडी में खाना लगने लगेगा और आप पहले से ज्यादा अच्छे दिखोगे। तो ये था फायदा नंबर 7। तो गाइस ऐसे अनगिनत फायदे हैं रनिंग करने के, मैंने तो बस स्किन बेस पे बताया, तो आपकी बॉडी के बेस पे भी बहुत सारे फायदे हैं यार, अनगिनत फायदे हैं। गिनते गिनते बैठोगे ना तो ये पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा एक दिन निकल जाएगा रनिंग के फायदे अगर गिनाने में आपको बैठूं। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि आज से नहीं यार, कल से रनिंग करना स्टार्ट कर दो। बस दिन के 10 से 15 मिनट आपको देने हैं, आप कहीं भी कर सकते हो। तो भाई लोग आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन टोन जो है रनिंग करने से कैसे इंप्रूव होती है, हमारी बॉडी, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव होती है, हमारी स्किन कैसे का पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है रनिंग करने का। तो भाई लोग यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हो। भाई लोग आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है मैंने थोड़ा सा अलग लिया है, तो इसके ऊपर भी आप कोई राय, कोई सलाह देना चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट करना, क्योंकि ये चीज़ जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने सही सोचा या गलत, आपके ओपिनियंस जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या टाइम वेस्टिंग रही, और अगर वेल हेल्पफुल रही तो एक शेयर ज़रूर करना यार, और अगर टाइम वेस्टिंग रही तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, आगे ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए, जिससे कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर बन सकते हो, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हो, पहले से ज़्यादा ऑसम लग सकते हो। और क्या था यार, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टिकटॉक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ प्रोफाइल विजिट करो। वैसे तो टिकटॉक पे मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, वहाँ पे फैशन से रिलेटेड आपको पोस्ट मिल जाएंगे, जिसको कि देख के आप मेरे को बताना कमेंट में कि
आपके भाई का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और आप भी अगर आपको अच्छा लगे तो वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो भाई लोग इतना ही था आज की वीडियो में। रनिंग करना स्टार्ट करो, लेकिन पहले धीरे धीरे करना। पहले यूट्यूब पे वीडियोस देख लो कि बिगनर्स के लिए रनिंग करना कैसा रहता है, कैसे बिगनर्स पहले स्टार्ट करते हैं ये देख लो, नहीं तो ऊपर का नीचे उल्टा का पुल्टा भी हो सकता है। तो भाई लोग इतना ही था आज की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहो, कोरोना को हमको साथ में हराना है। जय हिंद, जय भारत।